हेलो एवरीवन, मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चावल की रबड़ी बनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रबड़ी बहुत ही पसंद आएगी। इसको बनाना है बहुत ही आसान, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने ये आधा कटोरी चावल लिए हैं और 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। तो चावल को मैं मिक्सी के एक जार में डाल देती हूँ, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। चावल को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसका मैंने बिल्कुल बारीक आटा बना लिया है। तो इस आटे को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने 1 गिलास के करीब दूध डाल दिया है और इसको चावल के आटे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो दूध और चावल के आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये जो बाकी का दूध बचा है इसको मैं गैस पर कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने ये दूध डाल दिया है। तो दूध को हम उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम दूध को इस तरीके से चलाते रहेंगे, तले तक घुमाते हुए दूध को हमें चलाते रहना है, जिससे कि जो ये दूध है तले में न लगे। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है। हाई फ्लेम पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, दूध को हमें तले तक चलाते हुए रहना है। तो दूध हमारा अच्छे से उबल रहा है। जब हमारा दूध आधा घंटा उबलने के बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच क्रीम के डाले हैं, यानी कि घर की बनी हुई मलाई है ये, जो हम दूध के ऊपर से उतारते हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, और अगर मिल्क पाउडर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी बहुत अच्छी रबड़ी बन जाती है। तो अब हमने जो ये चावल का आटा इसमें मिलाया था इसको हमने अच्छे से घोल लिया है एक बार फिर, और अब मैं इसमें इसको ऐड कर देती हूँ। तो चावल के आटे को ऐड करने के बाद हमें इस तरीके से इसको चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स न पड़े। तो इस तरीके से चलाते हुए मैंने हाई फ्लेम पर इसको इस तरह बनाया है। तो चावल का आटा डालने के बाद हमारी जो रबड़ी है एकदम गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। आप देख रहे हो रबड़ी हमारी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। तो इसी तरीके से हमें इसको चलाते हुए रहना है। तो अब हम इस रबड़ी में चीनी को ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी के डाले हैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। चीनी को डालकर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, किशमिश और मैंने काजू लिया है। इनको मैं मिला दूंगी और थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स बाद में इसको गार्निश के लिए रख लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से रबड़ी में मिला लिया है। तो अब हमारी रबड़ी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो सर्व करने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं इसको रबड़ी को निकाल रही हूँ। तो रबड़ी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इस पर कुछ ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश करूँगी। तो इस पर मैंने किशमिश, मुनक्खा और बादाम से जो मैंने बारीक काट लिए थे उससे इसको गार्निश कर दी है। आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी रबड़ी बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।